रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 920 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस दौरान लगातार यूक्रेन रशिया पर हमले कर रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस युद्ध भूमि में टीवी 9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो अब भी यहां पर बना हुआ है। और आज जब इस रिपोर्ट को हम कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले, लगभग 15 मिनट पहले, एक बार फिर से यूक्रेन के खार्किव शहर पर रशिया ने कई रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया है, जिसके बाद जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, खार्किव के इस शहर में आग लग गई है। लगभग एक दर्जन से ज्यादा मिसाइलों के यहां गिरने की खबर है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। 6 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह पर जहां पेट्रोल पंप पर, इस तरफ देखेंगे, अगर देखिए मेरे इस तरफ पेट्रोल पंप आपको नजर आएगा। इस पेट्रोल पंप को टारगेट करके ये हमला किया गया था, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। और इसके बाद इस तरफ देखिए कैसे पाइपलाइन में आग लगी, ये देखिए ये पाइपलाइन में आग लगी है। और इसके बाद उठता हुआ धुआं आप देख सकते हैं, आग की लपटें आप देख सकते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एहतियातन पुलिस ने इस पूरे इलाके के ट्रैफिक को रोक दिया है और 3 दिन में ये खार्किव शहर पर दूसरा बड़ा हमला है, जिसके बाद एक बार फिर से डर और दहशत इस शहर में कायम हो गई है। सामने आप पूरा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखेंगे जहां आग लगी है, उसके ठीक बगल के इलाके में। और अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना और पुलिस की गाड़ियां यहां पर आपको नजर आएंगी। पुलिस की गाड़ियां को भी आप देख सकते हैं और जिस जगह आग की लपटें उठती हुई आपको नजर आ रही है, ये खार्किव का वो इलाका है जहां से गैस पाइपलाइन की सप्लाई होती है और उसको टारगेट करके हमला बनाया गया है। जहां पर आग लग रही है उसके ठीक सामने के इलाके में अगर आप देखेंगे तो वहां पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मलबे में तब्दील हो गया है। और उसके बाद भीषण धुआं, भीषण आग इस वक्त वहां पर लगी हुई है। सेना को बुलाया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और लगातार खार्किव जैसे शहर पर रशिया हमले बोल रहा है। क्रुक्स में ये जंग चल रही है, इसके अलावा कीव में हमले किए जा रहे हैं, सूमी में हमले किए जा रहे हैं और तो और बेलग्रोद में भी ये जंग यूक्रेन बहुत ढंग से लड़ रहा है, या यूं कहें बहुत मजबूती से लड़ रहा है। और आज भी खबर आई है कि रशिया के कई शहरों में यूक्रेन ने हमला किया है। तो जवाबी हमले के तौर पर रशिया ने एक बार फिर से यूक्रेन के खार्किव शहर को निशाना बनाया है और उसके बाद आप देखेंगे कैसे इस पाइप लाइन में आग लग गई है और जिसको बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई है। और हम प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए, क्योंकि जहां पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला होता है आमतौर पर ऐसा ट्रेंड है कि रशिया दोबारा से टारगेट करता है, इसीलिए पब्लिक के लिए पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ है। आपको पानी की लपटें भी ना उस लपटों पर पानी की बौछारें भी आपको नजर आएंगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार हमले किए जा रहे हैं। और पूरे शहर में जब हम इस वक्त खार्किव के शहर से रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरे शहर में एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन आमतौर पर इस तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑफिसेज बंद रहते हैं, जिसकी वजह से कम जनहानि हुई है, क्योंकि जिस तरह का हमला था उसके बाद यह अंदाजा लगाया गया था कि कम से कम बड़ी जनहानि होगी और कई दर्जन लोगों के मारे जाने की आशंका होगी। हालांकि 25 लोगों के घायल और लगभग अभी तक जो आज रविवार को जो हमले हुए हैं उसमें लगभग 6 लोगों के मौत की खबर अब तक सामने आ पाई है। और इस तरह के हमले बता रहे हैं कि खार्किव अब भी शांत नहीं हुआ है और अभी भी बेशक ये जंग ट्रुक्स में चल रही हो, लेकिन रशिया के निशाने पर खार्किव ये शहर लगातार है और उसी टारगेट को करके यूक्रेन के इस शहर को लगातार रशिया हमले कर रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, खार्किव, फ्रंट लाइन, यूक्रेन।